तो जैसे कि पता है आप सबको कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया, ऐसी खबर आई। तो ऐसे में एक परिवार है अफगानिस्तान से जो कि अब मुंबई में है। मुंबई में ना उनके पास अब रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए पैसे हैं। ऐसे में एक मुंबई कर उन्हें अपने घर पे रखते हैं और उन्हें कहीं ना हम बात करेंगे संध्या से कि आरिफ और सादिया जो कि आप अपने घर पे उन्हें रखे हुए, आप उनसे कैसे मिलें और क्या इनकी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अफगानिस्तान रिटर्न जाने के लिए, क्या है ये पूरा चीज़? आरिफ और सादिया से मैं एक्चुअली लास्ट ईयर जनवरी में मिली, जब उनकी बेटी इल्दिस का हार्ट सर्जरी था, तब हमने काफ़ी डोनर्स के माध्यम से उनकी हेल्प की थी। बट जब मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम कोकिला में मिली थी, तभी एक कनेक्शन हो गया था फैमिली से। दोनों बहुत यंग है, बच्ची तभी सिर्फ 40% चांसेस था सर्वाइवल का, तो मुझे ऐसे लगा मुझे इस फैमिली के साथ रहना चाहिए। और ऐसे में एक महीने तक हम कोकिला में साथ में थे, उसके बाद अब 8 महीने गुजर चुके हैं। बच्ची बहुत अच्छी है, थैंक गॉड, शी इज़ कम आउट ऑफ ऑल डेंजर्स। लेकिन वो टच में रहे, बहुत सारे इश्यूज़ जब भी उनके लाइफ में आए तब वो मेरे पास आते थे, हम लोग टच में थे। वो गोवा में रहते थे फॉर हिज मास्टर्स, अब उन्होंने MBA इन HR कम्प्लीट किया है गोवा यूनिवर्सिटी से। इसी दौरान वो प्लान कर रहे थे कि अब जब पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो वो कोशिश कर रहे थे कि वापस अफ़गानिस्तान जाए, अगर वहाँ कोई गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में पहले काम करते थे आरिफ, और जस्ट पेपर वर्क के लिए और कुछ क्वेरीज़ के लिए वो मुंबई आने वाले थे। और वो अक्सर मुंबई आते तो मेरे ही घर रुकते, बट बहुत अनफॉर्चुनेट है उनके सर्टिफिकेशंस भी नहीं आए। और इसी दौरान काबुल में तालिबान ने टेक ओवर किया अनवॉरेंटेडली, एंड अनफॉर्चुनेटली वो अब यहाँ फंस चुके हैं, ना तो वो घर लौट सकते अपने और उनका कोई नहीं है यहाँ पर मुंबई में, तो वो मेरे साथ ही रुकते हैं। और अभी मैं उनका पूरा देखभाल कर रही हूँ जितना मेरे से होता है, सो दैट उनको ऐसे ना लगे कि वो कहीं और नहीं जा सकते एट दिस पॉइंट इन टाइम। So, we want to speak to Arif. Arif, can you tell me where you from? Where you staying in Afghanistan? Yeah, actually, I am from northern part of Afghanistan, Badakhshan province, and I had come to do my higher education, to do my masters, and I got a scholarship from ICCR, and. I did my MBA at Goa University and my course is done. So I was just planning to go back to my country, and I came Mumbai to do my daughter's last follow-up and check-up before leaving the India. And unfortunately, due to the turmoil happened. What help are you seeking from the Indian government? Yeah. Actually, right now, our expectations from Indian government is to extend our visa at least, and to give us work permit that we would be able to survive here, because right now we are not receiving any stipend from our scholarship also, and we are not able to go back to the country also, and we don't know what will happen to our future, and right now we are not able to connect to our family members over there also, and no connectivity is there. And also Taliban are not allowing anyone to come out and to enter to the airport, and there is so crowd in the airport and chaos is happening in Afghanistan. So we are just scared, and we might not be able to go back to the country, because in case Taliban continues to rule in Afghanistan, then the life will be much difficult for us to live in that situation. Will Shadia want to share any words with us? Shadia? Shadia can only speak Persian, unfortunately. She cannot speak in Hindi and no, English. No, she only speaks in Persian. So, Sandhya, aapko kya demand hai aapki? To ab main ye family ko bahut kareeb se jaanti hu, dono bahut young hai. एंड बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बट ये सिचुएशन ऐसे कहीं ज़्यादा अफगानियों की है जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी सोच ख्यालात थोड़े मॉडर्न है, जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ अपने यू नो फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे, तो ऐसे जो एडुकेटेड क्लास है वो क्या करेंगे? वो वापस तो जाएंगे नहीं ऐसे जगह पे जहाँ उनकी वाइफ और किड दोनों सेफ नहीं है।
सो इंडियन गवर्नमेंट से जब हमारी बातें हुई अभी, तो ICCR अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स के साथ वो क्या करे. अब जिन्होंने एडमिशन ली है उनके लिए तो प्रोविज़न है, जिनकी पढ़ाई हो चुकी है वो क्या करेंगे. और भी कोई कंट्रीज़ में अगर हम उन्हें डिपोर्ट या भेजना चाहते हैं तो क्या उसकी रेफ्यूजी पॉलिसीज़ या इंडियन सेंटर की तरफ से क्या सपोर्ट एक्सटेंड किया जा सकता है इनके लिए, ताकि ये कहीं और रेफ्यूजी बन के किसी और कंट्री में सेटल हो, या क्या इन्हें वर्क परमिट मिल सकता है कि किसी इंटरनेशनल कंपनी में वो यहीं पर कोई सिटी में काम करे. तो बहुत कुछ सोचने जैसा है. आरिफ के साथ तो मैं हूँ अभी, बट आई डोंट नो ऐसे कितने आरिफ घूम चुके होंगे ये पूरे टर्मोइल में इंडिया में ही, और उन सब के लिए क्या जवाब हम दे सकते हैं वो हम सीख कर रहे हैं गवर्नमेंट से. तो जैसा कि आपने देखा, ये थी हमें संध्या. तो एक आम मुंबई कर जिसने एक बड़ा दिल दिखाते हुए अपने घर पे एक कपल को अपने घर पे रखा हुआ, ऐसे में देखना होगा अब कि जो इंडियन गवर्नमेंट से इनकी क्या हेल्प आगे हो पाती है. आमिर खान, मुंबई.